हाय, मैं अशोक वारसी और वेब दुनिया 18 साल कंप्लीट कर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई होप आप लोग और 18 20 100 साल तक करते रहे, लगे रहे इस तरह और हमारी बातें होती रहे। सलमान खान और ऐश्वर्या राय ब्रेकअप के बाद भी सुर्खियां बटोरते हैं। अब ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं। सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ऐश्वर्या भी अपनी अगली फिल्म फन्ने खान के जरिए ग्लैमरस अंदाज दिखाने वाली हैं। सलमान खान तो अपनी फिल्में ईद पर रिलीज करने में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन अब खबर है कि उसी ईद पर ऐश्वर्या की फिल्म फन्ने खान भी रिलीज होगी। फिल्म फन्ने खान अप्रैल 2018 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। इस बारे में फन्ने खान के मेकर्स ने बताया कि हमने फन्ने खान की रिलीज डेट जून 15 2018 कर दी है। हमने ईद को इसलिए चुना क्योंकि फिल्म में अनिल कपूर मुस्लिम के रोल में हैं और इसके लिए ईद से बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता था। इस दिन सलमान की रेस 3 भी रिलीज होने वाली है। सलमान और ऐश्वर्या का यह फिल्म क्लैश बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोनों के ही दुनिया भर में बहुत से फैंस हैं और देखना यह होगा कि दर्शक किस फिल्म को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सलमान खान की रेस 3 में कई हीरो हीरोइन शामिल हैं और यह रेस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों से ज्यादा धमाकेदार होने का दावा करती है। वहीं ऐश्वर्या की फन्ने खान में उनके साथ अनिल कपूर और राजकुमार राव भी नजर आएंगे।